Around 3,000 crore has been allocated for minority welfare, out of which 33 crores have been allocated for Ramzan celebrations, 50 lakhs for Ashur Khanas, for over 4 crores for the Hajj pilgrims, and over 2.4 crores has been allocated for the meeting of the Tablighi Jamaat Islamia in January of 2024. तेलंगाना में कांग्रेस ने एससी एसटी समुदाय का छीना अधिकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो शोषित और वंचित समाज का अधिकार छीनकर धर्म विशेष के लोगों में बांट देगी, और तेलंगाना में कुछ ऐसा ही हो रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति में अव्वल आ चुकी कांग्रेस अब इस हद तक गिर चुकी है कि तेलंगाना में एससी एसटी समुदाय का हक मारकर धर्म विशेष के लोगों को बांटने में लगी है। हाल ही में कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा में बजट पेश करते हुए एससी एसटी समुदायों के बजट में कटौती की और अल्पसंख्यकों का बजट बढ़ा दिया। कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए 3,003 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि इसके पहले बीआरएस सरकार ने 2023-24 के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को 2,200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। इस बजट को बढ़ाने के लिए कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जाति विकास विभाग के बजट 21,072 करोड़ रुपए से घटाकर अब 7,638 करोड़ रुपए कर दिया है। वहीं इसी तरह आदिवासी कल्याण विभाग का आवंटन 4,365 करोड़ रुपए से घटाकर 3,969 करोड़ रुपए कर दिया गया है। चुनाव के वक्त गरीबों और वंचितों की शुभचिंतक बनने का ढोंग करने वाली कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों में भी सिर्फ एक धर्म विशेष के कार्यों में इस बजट को बांटा है। रमजान के लिए 33 करोड़ रुपए, आशूर खानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 50 लाख रुपए, जनवरी 2024 में तबलीगी जमात इस्लामिया के बैठक के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए, हज यात्रियों के लिए 4 करोड़ 43 लाख रुपए जैसी और भी कई सौगातें एक धर्म विशेष के लोगों को दी गई हैं। एससी एसटी कल्याण के बजट में कटौती से ये तो साफ हो गया है कि कांग्रेस गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को मिटाने में ही विश्वास रखती है। कांग्रेस जब तक सत्ता में रहेगी वो कभी एससी एसटी समाज का उत्थान नहीं होने देगी।